दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें, तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। पानी में पाई जाने वाली 10 भयावह चीजें। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है, पर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो ये काफी डरावना नजर आता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके अंदर सांस नहीं ले सकते, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये पानी बहुत ठंडा होता है, गहरा होता है और इसमें संतुलन बनाना काफी मुश्किल होता है। वैसे तो मनुष्य धरती पर रहने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम लोग नई चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक भी होते हैं। इसलिए हम में से कई बहादुर लोग नई नई चीजों की खोज के लिए समुद्र और नदियों में गोताखोरी करते रहते हैं, और कई बार वो ऐसी चीजों की खोज कर लेते हैं जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। और आज हम इस वीडियो में पानी के अंदर मिलने वाली 10 ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, जायंट मेटल स्ट्रक्चर। जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे, तब हमें एक तस्वीर मिली जिसमें एक गोताखोर मेटल की बनी किसी एक चीज के साथ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई चीज है, या किसी स्पेसशिप का कोई टूटा हुआ भाग। ये वस्तु धातु से बनी हुई नजर आ रही थी, जैसे किसी इंसान ने ही बनाई हो। अगर ये सच है तो सवाल ये था कि ये समुद्र के अंदर क्या कर रही है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि तस्वीर कहां से आई। कुछ लोग कहते हैं कि ये तस्वीर अंडरवाटर नाम की किसी हॉलीवुड मूवी से चुराई गई है, और कुछ कहते हैं कि इसे फोटोशॉप द्वारा बनाया गया है। ऐसा हो भी सकता है कि ये असली ना हो, पर ये तो जरूर है कि ये थोड़ी डरावनी है। नंबर 9, द लॉस्ट शूज ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज सत्य घटना पर आधारित अपने समय की कहानी है। 15 अप्रैल 1912 को यह खूबसूरत जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में समा जाता है। आधे से भी कम लोग जहाज पर रखी नाव से अपनी जिंदगी बचा लेते हैं, पर बाकी लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट टाइटैनिक पर नहीं थे। 1500 से भी ज्यादा लोग जहाज के साथ डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये घटना लगभग 100 से ज्यादा साल पुरानी है, मगर आज भी फिल्मों और मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। टाइटैनिक के बारे में सबसे पहले खोज 1980 में हुई थी, तब से अब तक कई बार टाइटैनिक के लिए खोज हो चुकी है। अब तक हुए सबसे दर्दनाक खोज में 100 जोड़े लेदर के जूते समुद्र के अंदर पाए गए, और ये इस बात का सबूत है कि कितने लोगों ने उस भयंकर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 8, एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म। 1901 में 2000 साल पुराना एक रोमन आयरिश जहाज ग्रीक आइलैंड ऑफ एंटीकेथ्रा में पाया गया। जब पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की, उनको बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई। उन्हें एक चक्री के आकार की अजीब सी चीज मिली जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था, और ये पुराने जमाने के कंप्यूटर की तरह नजर आ रहा था। 75 साल तक इसे एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। कई लोग तो उसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते थे। यंत्र को सोलर और ग्रह की दिशा जानने के लिए बनाया गया था, ताकि प्राचीन दुनिया के लोगों को इससे मौसम और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मशीन से भाग्य के बारे में पता चल सकता था। अपने समय के अनुसार एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म इतनी ज्यादा विकसित थी कि 1500 साल तक उस मशीन को पछाड़ने वाली कोई तकनीक विकसित नहीं हुई थी। हजारों साल पहले भी मनुष्य बहुत दिमाग वाले होते थे। नंबर 7, पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। संकिम सिटी की खोज होने के बाद से ही वो डरावनी रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, पर कई प्रलय और महासागर के चलते ऐसा न हो सका। 1998 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के महल की खोज की थी, जो कि संकिम द्वीप का एक हिस्सा था। यह वर्तमान इजिप्ट में 16 फीट गहरे पानी में मौजूद था। हजारों साल पुराना इतिहास पानी में शांति से पड़ा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्तियां ढकी हुई थी। इस खोज से उस महान पाषाण युग की भी खोज हुई। इसके अलावा भी कई और ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो पानी के नीचे आज भी कहीं छिपे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाए। हमें पता है कि ये काफी डरावना होगा। नंबर 6, द संकन स्कल्पचर। कैरेबियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में कई सारे डरावने पुतले मिले हैं। इनको पानी में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डिक्लेरस टेलर ने या तो बनाया था या लगाया था। हालांकि इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया गया था, फिर भी दिखने में ये काफी डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको ये मूर्तियां देखकर डर नहीं लगता, तो फिर आपको 18 ऐसी मूर्तियां देखकर जरूर डर लगेगा जो उनके बीच में बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसी लगेगी। नंबर 5, अंडरवाटर फॉसिल ग्रेवयार्ड।
2015 में मेडागास्कर के समुद्री गुफाओं में एक ग्रेवयार्ड मिला जिसमें विशाल लिमोस थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये अंडरवाटर ग्रेव्स काफी डरावनी थीं, पर सोचिए कि वो कितना डरावना पल होगा जब आप उन गुफाओं में हड्डियों का ढांचा पाएंगे। इसके अलावा जब फॉसिल का सूखी जमीन पर निरीक्षण किया गया तो ये पता चला कि वो लिमोस की काफी पुरानी प्रजाति थी जो आकार में डायनासोर के जैसे थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो दिखने में कितना डरावना था तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देखिए। नंबर 4, लेक मिशिगन मोनोलिथ। 2007 में अमेरिका और कनाडा के लेक मिशिगन में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीज की खोज की जो थोड़ा डरावना और रोचक था। शंकन मोनोलिथ कम से कम 10,000 साल पुरानी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये खोज ब्रिटेन के स्टोनहेंज के बराबर थे। वे केवल आम पत्थर नहीं थे, उनमें से एक पत्थर के किनारे पर कार्विंग एक जानवर के जैसी थी जो आजकल के हाथी जैसी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मोनोलिथ आइस एज के जमाने से थे। इससे हमें नॉर्थ अमेरिका के लोगों के जीवन के बारे में पता चल सकता है। नंबर 3, मिमिनी रोड। कोई नहीं जानता कि पानी के अंदर स्थित यह सड़क कहां जाती है। बहुत से लोग इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं है कि अगर इसकी खोज की गई तो उन्हें वो जवाब पसंद आएगा भी या नहीं। बहामास के नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के पास बिमिनी रोड पत्थरों से बनी सड़क पानी में स्थित है। ये रोड सीधी लाइन है, हाफ माइल के बराबर है और लाइमस्टोन ब्लॉक से बनी हुई है। सड़क के साथ साथ दो बड़े पत्थर हैं। इस रोड की खोज 1968 में हुई थी। तब से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सड़क आई कहां से। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह सड़क मानव निर्मित है। रोड के कार्बन डेट के अनुसार ये लगभग 3,000 साल पुरानी है जो इसके पीछे की मिस्ट्री को और बढ़ा देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कभी यह सड़क सिटी ऑफ अटलांटिस तक जाती थी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यह सड़क दुनिया के गलत तरफ जाती है। आपको क्या लगता है कि ये रोड किस मिस्ट्री की तरफ जाती होगी? नंबर 2, बाल्टिक सी अनोमली। 2012 में यह बात सामने आई थी कि एक यूएफओ जो स्टार वॉर्स मिलेनियम फाल्कन की शेप में था वो बाल्टिक सी में मिला था। प्रोफेशनल डाइविंग टीम के सदस्यों ने बताया था कि उन्हें समुद्र में 285 फीट नीचे कुछ अजीब सी चीज मिली थी। वो वस्तु 60 फीट लंबी और 10 से 13 फीट ऊंची थी। इसके अलावा जब उन्होंने ये बताया कि जब वो उस वस्तु से 200 मीटर की दूरी पे थे तो उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खोज के अनुसार वो वस्तु लगभग 1,40,000 साल पुरानी थी। इस अजीब सी खोज ने इन विवादों को हवा दे दी थी कि क्या ये वस्तु किसी यूएफओ का हिस्सा था। टीम के एक सदस्य डेनिस असबर्ग के अनुसार उन्हें 100% विश्वास था कि ये वस्तु बिल्कुल अलग थी। गोताखोर पीटर लिंडबर्ग ने खुद ये कबूल किया कि ये खोज उनकी सोच से परे थी। नंबर 1, क्रिप्टिक स्टैच्यू। जब कुछ लोग रूस के यूरल माउंटेन्स में गोल्ड ढूंढ रहे थे तो बहुमूल्य चीज की खोज की जगह उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काफी डरावना था। यह 9 फीट का एक लकड़ी का स्टैच्यू था। स्टैच्यू 13,000 फीट अंदर थी। इस बात का पता चला कि यह स्टैच्यू लगभग 11,600 साल पुराना है। यह स्टैच्यू टूटा हुआ मिला था। अगर यह सीधा खड़ा होता तो यह लगभग 17 फुट का होता। बिना ऑक्सीजन के जिस तरह वो स्टैच्यू मिला था तो उससे यही समझ आता है कि किस तरह इस स्टैच्यू को संभाल कर रखा गया था। बहुत सी रहस्य की चीजें इसमें से मिली हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये किसी गुप्त संदेश को छुपाने के लिए होते होंगे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये अजनबी लोगों के लिए इशारा था कि वो उनसे दूर रहें। एक ने तो ये भी कहा कि उसे देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। नंबर 3, एंगिकुनी झील। एंगिकुनी झील के किनारे बसे एक गांव की कहानी भी बेहद रहस्यमयी है। बात है साल 1930 की। इस गांव में करीब 2,000 लोग रहा करते थे और अचानक इस गांव के सभी लोग गायब हो गए। बाद में लाबेल नाम का व्यक्ति इस गांव में आया तो उसने पाया कि लोगों के घरों के चूल्हों पर कहना पकने के लिए रखा हुआ है, और ये स्थिति लगभग हर घर की ही थी, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं देखा। इस गांव से अचानक सभी लोगों का गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, बिगोलो रैंच। ये जगह भी बहुत रहस्यमयी है। बात है साल 1994 की, जब एक बकरी चराने वाले ने एक भेड़िया देखा जिसने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। बछड़े को बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने उस भेड़िए पर गोली चला दी, लेकिन लोग ये देख चौंक गए कि उस भेड़िए पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बेहद रहस्यमय हैं। नंबर 5, सैन लुइस वैली, अमेरिका। अमेरिका की सैन लुइस वैली नाम की जगह पे भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ कई जानवरों की रहस्यमय तरह से मौत होती है और उनके शरीर पर कई अजीब तरह के निशान भी बने होते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि जानवरों की ये मौत कैसे हो रही है और कौन कर रहा है इनका शिकार। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये काम किसी एलियन का है, क्योंकि यहाँ की एक महिला ने दावा किया है कि उसने अपने खेत में कई यूएफओ उतरते देखे हैं। इस महिला के अनुसार वो अब तक करीब 50 से भी ज्यादा यूएफओ देख चुकी है।
तो ये थी 10 चीजें जो पानी के नीचे मिली हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।